माई फैमिली, वेलकम बैक अगेन टू माई चैनल। आप लोग कैसे हो? आई होप यू ऑल आर रियली गुड। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि मेरी जो बन्नी है उसको 4 बेबीज़ हुए, जैसा कि मैंने बताया था। तो वो अब इतने बड़े हो गए कि मेरे ख्याल से ये 5 दिन पहले का वीडियो है। अब तो उनकी आइज़ भी खुल चुकी है। एंड यहाँ पर जो मैंने फ्रिज के लिए कवर मंगाया था, जिसमें ये हैंडल वाला भी आता है, एंड इसके ऊपर आप जो देख रहे हो कवर, ये आता है इसके साथ। एंड उधर 3 पॉकेट है, एंड इधर 3 पॉकेट है। आने का पूरा ब्लैक मैं नहीं ली, ये क्रीम कलर एंड ब्लैक मिक्स है। और इसमें यहाँ पे 3 पॉकेट है और उस साइड भी 3 पॉकेट है, एंड ये एक हैंडल पकड़ने वाला। तो यहाँ पे हस्बैंड जी ने पूरा फ्रिज जो है वो क्लीन कर दिया है। इस तरह का ट्रांसपेरेंट टाइप का 2-4 था, तो 2 ही हमने बिछाए, क्योंकि हमारी फ्रिज में मतलब 2 ही रैक है। तो ये जब ख़राब होगा तो हम लोग वो बिछाएंगे। तो ट्रांसपेरेंट वाला मुझे लेना था कवर, इसीलिए मैंने उसमें ज़्यादा कलर ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए मैंने ये वाला लिया। एक ये रहा, ये दोनों पन्नी में घास है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा हमारी बनीज के लिए। तो ये देख सकते हो क्लीन है पूरा, नेल पेंट है। और सैलेड के लिए जो भी आधा बचता है वो हम लोग यहाँ रख देते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स हैं, एक बॉटल ये, एक बॉटल ये, हमारी बन्नी है। सॉस है, मेयोनीज है, जैम है, ब्रेड है, और वाटर बॉटल है, सॉस वगैरह सब है, एंड उसमें सब्जी है, ये अंडा है। तो ये सब चीज़ है। तो एक दिन पहले हमने बनाया था चिकन, तो उस दिन तो नहीं खाया, उसका नेक्स्ट डे हम लोग पराठे के साथ खाए चिकन, बहुत ही यम्मी वाला बना था। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि मौसम कितना ज़्यादा ऑसम है, वो रियलिटी में आज देखने को मिल रहा है। एंड ये ऊपर में ओपन था, जहाँ से कि अगर यहाँ की सबसे बड़ी ख़राबी ये है कि घर जो है वो सटे हुए हैं, यहाँ पर हस्बैंड जी हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे अपने छत को लॉक कर रहे हैं, ताकि अगल बगल वाले डायरेक्टली छत से होते हुए हमारे घर में एंट्री ना कर जाए। सामने में इतना मेस है, ये सब लेबर जो है हमारे यहाँ वो फेंकेंगे। और वहाँ पे हस्बैंड जी एज यूजुअल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, और ये सब क्लीन होगा, और हमारे ये प्लांट्स। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आज एक और रेसिपी। और मेरे ब्लॉग में रेसिपी ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। और जो है मैं जो भी रेसिपी मैं शेयर करती हूँ ट्राइड एंड टेस्टेड रहता है, तभी मैं शेयर करती हूँ। तो मैंने नॉन स्टिक तवा मंगाया है, जो जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया था, एंड उसकी लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज मैं चीला बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने अनियन काटा है, ग्रीन चिल्ली काटा है, टोमेटो काटा है बारीक एकदम से, फिर मैंने बेसन डाला। बेसन यहाँ पर मैं शुरू में कम ले रही हूँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था। और उसके बाद यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर देनी है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो वहाँ अब मैं वापस से गई थी यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी लेने के लिए, क्योंकि हल्दी दे देने से कलर बहुत अच्छा आएगा। तो ये उस दिन मैंने लंच में बनाया था, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, मन नहीं कर रहा था कि चावल बनाओ। चावल हमने रात में खाया, और इस दिन हड़बड़ी भी था, क्योंकि घर की पूरी अच्छे से डस्टिंग क्लीनिंग एक बार और करनी थी, एंड बाहर जो छत वाला एरिया मेस पड़ा हुआ था उसको भी साफ़ करना था। तो हस्बैंड जी एंड जो एक लेबर हैं दोनों मिल करके पूरा साफ़ किए हस्बैंड जी। तो इतना ज़्यादा मतलब उस दिन मुझे लगता है ना कि आराम भी नहीं किए थे दोपहर में, इतना ज़्यादा लेबर के साथ काम किए। एंड यहाँ पर पानी आपको थोड़े थोड़े क्वांटिटी में देना है, नहीं तो एकदम वो लिक्विड वाली कंसिस्टेंसी हो जाएगी। तो थोड़ी सी हमें थिक रखनी है, रनी टाइप भी नहीं रखनी है और ज़्यादा थिक भी नहीं रखनी है, बिल्कुल मीडियम में रखनी है। मैं आपको दिखाऊंगी, बस इसको अच्छे से मिलाते रहिए मिलाते रहिए मिलाते रहिए। मिर्ची थोड़ा लंबा लंबा पीसेस में आपको दिख रहा होगा, क्योंकि उसको मैंने वैसे ही रहने दिया। आप चाहो तो ग्रीन चिल्ली को भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हैं बाहर का नज़ारा कितना अच्छा है, मौसम सुहावना किया है। और ये रही गुल्लू रानी, जो मेरे लिए गर्मा गर्म बेसन का पराठा बोल सकते हैं आप, या बेसन का पराठा नहीं, चीला है। अभी अभी ये टूट गया, वरना अभी ठीक था, अभी लाने के चक्कर में। मेरा बेटा कोई बात नहीं रे, एक नंबर है टेस्ट। तो पहली बार नहीं, इस तावा में पहली बार बनाई तो बहुत बार है, लेकिन बार थोड़ा गड़बड़ हो गया। एक नंबर चीला बना है, लेकिन अब सही बन रहा है। शेप में क्या रखा है, स्वाद में रखा है, मतलब शेप तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन टेस्ट एक नंबर जरूर है ना बेटा। चीला का शेप ऐसे ही हो, मैंने तो खा लिया भर पेट या पेट भर के। अब गुल्लू रानी अपना बना रही है। आज हम लोग दिन में यही सब खाए, चावल रात में खाए। मौसम एक नंबर सुहावना हुआ, ऊपर हवा देख सकते हैं,
बारिश की बूंदें इस ग्लास में लग रही है, देखिए लगभग इस साल का पहला बारिश आप बोल सकते हैं। एंड ये जो है रात का सीन है, रात में मैं बर्तन वॉश करके छत पे गई थी हस्बैंड जी के साथ, फिर 11:15 बजे मैं जब नीचे आई तो हस्बैंड जी गए ड्राई फ्रूट्स को पानी में भिगोने के लिए, तो उनको ये सिंक में यहाँ पर ये देखिए क्या दिखा, मतलब वो रात तो हम लोग का कैसा बीता वो मैं ही जानती हूँ। थैंक्स टू हस्बैंड जी जो वो डिस्कवरी चैनल देखते थे उसी से वो मतलब इसको कैद कर सके डब्बे में। एंड ये बेबी स्नेक है देख सकते हो, और आई थी हमें समझ में नहीं आया कि कहाँ से आया, आई थिंक घास वाले झोला से आया। एंड इसको देखिए इसी प्लास्टिक में हस्बैंड जी कैद करके रखे, अब इसको जा रहे हैं कहीं पे छोड़ने के लिए। एंड हस्बैंड जी ने काफ़ी ज़्यादा बहादुरी के साथ ये सब चीज़ को हैंडल किया। एंड मैंने उस दिन सिंक भी अच्छे से साफ़ नहीं किया, डर के मारे मैं किचन गई ही नहीं। एंड ये उसके नेक्स्ट डे का है, यहाँ पर मैं स्कूल से आने के बाद फ्रेशन अप होने के बाद ग्लूकॉन्डी पीने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर मैं मैंगो शेक के लिए जो पल्प होता है वो मैं साइड कर रही हूँ, ताकि इसको मैं मैंगो शेक बनाऊँ तो उसमें मैं डाल सकूँ। मैं मैंगो शेक कैसे बनाती हूँ ये भी मैंने शेयर किया है, और मेरे हाथ का मैंगो शेक हस्बैंड जी को भी बहुत पसंद है, क्योंकि उनको भी जो है वो मिल्क वाला ही शेक पसंद है, पानी उसमें बिल्कुल भी नहीं, एंड मुझे भी। तो यहाँ पे मैंने देखिए पल्प एकदम निकाल के रख लिया है। उसके बाद ये अचार वाला जो डब्बा होता है इसको अच्छे से मैंने वॉश कर दिया था, देन वो अच्छे से ड्राई हो चुका है, तो अब इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं डाइनिंग टेबल पे रखती हूँ। तो अचार इसमें मैं थोड़ा सा निकाल लेती हूँ ताकि खाने में जब भी लगे तो हमें किचन में ना ना पड़े। यानी ये छोटा सा लकड़ी का स्पून है तो इसको मैंने इसमें डाल दिया, तो काफ़ी क्यूट लग रहा है ये हमारा अचार का बर्नी। तो मैंगो शेक के लिए मैंने यहाँ पर मिक्सचर में मैंगो लिया है, चीनी लिया है एंड दूध लिया है। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी, एंड जब भी पीना होगा तो इसको फिर अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। मीनवाइल फिर यहाँ पर मैं आ गई हूँ, ये फैजलिया में जो कि कच्चा ही रहता है बट मीठा लगता है खाने में, ये दादी ने दिया था। तो तीन ही मैंगो का मैं बनाऊंगी वो गुरम्मा जिसको बोलते हैं कलौंजी, मीठी वाली सब्जी कच्चे वाले आम की, बहुत टेस्टी लगती है। इसको आप रोटी के साथ खाओ या खाली भी खाओ तो बहुत यम्मी लगती है। इसको फ्रिज में आप स्टोर काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए कर सकते हो। यही मैं बनाने वाली हूँ थोड़ा सा क्वान्टिटी की, एंड मैं गुड़ से बनाऊँगी, चीनी नहीं दूँगी। एंड ये रात का टाइम है, हमारे घर में कोई आए हैं, कौन आए हैं ये आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। तो यही मैं बनाने वाली हूँ वेज पुलाव, जिसके लिए मैंने इतना सारा सामान लिया है, पोटैटो एंड अनियन। और यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ रायता, जिसमें मैंने दिया है गाजर, खीरा और एप्पल। ये हस्बैंड जी अभी लेके आए हैं चाट मसाला एंड बहुत सारा सामान है, और जिसमें से हमें एक नीड थी ये वाला टाइल्स वगैरह या सिंक वगैरह क्लीन करने के लिए, तो ये रहा। और भी बहुत तरह का सामान है, मुझे बोल रहे थे कि एक ये भी है, ये तो कोरिएंडर पाउडर है, रायता के लिए एक मसाला छोटा सा डब्बा में, ये वाला रायता मसाला कैच का स्प्रिंकलर, ट्राई करूँगी आज फर्स्ट टाइम इसको। तो चलिए बनाते हैं रायता, और हाँ पनीर भी है, पनीर भी मैं इसमें ऐड करूँगी। तो रायता मेरा बन चुका है, एंड यहाँ पे वेज पुलाव भी जो है मेरा ऑलमोस्ट बनने वाला है, बस इसको ढक करके दो सीटी लगा देना हाई फ्लेम पे, तो बहुत टेस्टी वाला डिनर बना था उस दिन। एंड कौन आया या नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा।